फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रसोई खास में। आप सोच रहे होंगे कि ये थाली किस त्यौहार के लिए सजी है। भाई, नवमी भोग का भी तो वीडियो डालना ज़रूरी है। इस थाली में सजे हर मिठाई, हर नमकीन और हर सब्जी का वीडियो मैं डालती रहूँगी पार्ट बाय पार्ट, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज, जो भंडारे में बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना भंडारे वाली मिक्स वेज सब्जी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन वो नीचे है लाल रंग वाला, ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। भंडारे वाली मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए अपनी पसंद की कोई भी सब्जी। मैंने यहाँ ली है बैंगन, फूल गोभी, शिमला मिर्च, आलू और मेथी। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, हींग, हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी है। अब कुकर में सभी सब्जियों को डाल दें, बस मेथी को छोड़कर। डालें 1 से 1.5 कप पानी, नमक, हल्दी 1/2 चम्मच और कुकर को बंद कर दें, 2 सीटी आने दें मीडियम फ्लेम पे। अब कढ़ाई में 1 से 1.5 बड़े चम्मच तेल डालें, थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 महीन कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और इसे भून लें। फिर डालें 1 बड़ा टमाटर और अब टमाटर को थोड़ा गल जाने दें। जब टमाटर थोड़े गल जाएं, फिर डालें 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और मिक्स कर दें और मसाले को अच्छी तरह भून जाने दें। मसाला अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं तेल किनारों पे आ गया है। अब डालेंगे हम सभी उबली हुई सब्जियां और मिक्स कर देंगे। फिर डालें मेथी और मिक्स कर लें और अब हमें इसे 5 मिनट ढक के पकाना है। पाँच मिनट बाद आप देखेंगे मेथी भी पक गई है। अब हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे धीमी आंच में, 5-7 मिनट और इसे पका लेंगे। अब सब्जी रेडी हो गई है, तो लास्ट में अब हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच और धनिया पत्ती। और लीजिए, तैयार है आपकी भंडारे वाली मिक्स वेज सब्जी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और इस रेसिपी पे कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे यकीन है हमारे चैनल में ज़रूर ऐसी कोई ना कोई रेसिपी होगी जो आपकी कुकबुक का हिस्सा बन जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।